Assalamualaikum viewers, कैसे हो सब? और ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। हम भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उमरा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा बहुत अच्छा हुआ उमरा यार, बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन सब परमिट हो रहा है, ऑनलाइन देना पड़ता है, इसमें फॉर्म भरना पड़ता है, उमरा के लिए भी इनको ऑनलाइन सबमिट फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका ये मिसाल आ जाता है, वॉइस आ जाता है, क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको परमिट दिया जाता है आने के लिए, कौन सी डेट में आपको आना है, तो उससे पहले ही एक दिन पहले आपको निकलना है, तो फिर यहाँ आने के लिए टाइमिंग है 9 से 3 घंटा टाइमिंग है उमरा के लिए, 3 घंटा एक दिन पहले ही आपको, अगर आपको उमरा के लिए जाना है तो आपको एक दिन पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सबमिट करना है। इसका नाम है अतमरना है और तवक्कला, दोनों आपको एप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फोन में, उसके बाद आपको एक दिन पहले उसको तरतीब करना है, ऑनलाइन भरना है फॉर्म, उसके बाद आपको रिसाला आएगा जाने के लिए कल, फिर जब आप यहाँ आओगे तो फिर आप अपनी टाइमिंग देख लेंगे, कौन सी टाइमिंग पे आपको उमरा करने जाना है वो अपने मोबाइल पे आपको सेव करना है, स्क्रीनशॉट रख के रखेंगे, इसको देखना है। फिर वहाँ से जब आप उमरा के लिए जाओगे, जाने के लिए आपको उधर परमिट पास होगा आपके मोबाइल में, वो आपको दिखाना है, वो चेकिंग हो रही है 3-4 बार 5 बार चेकिंग हो रही है दिखाने के लिए, कहाँ पे देखना है वो उनको दिखाना है अंदर में जाके, जो वहाँ पे पुलिस वाला पुलिस वहाँ पे है, सऊदी है, सिक्योरिटी है, वो उनको दिखाना है, उनको देखना है। फिर नेक्स्ट वाला जो मतलब उमरा करने के बाद नमाज होता है, जैसा समझ लो आप, अगर आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है, नमाज आफ्टर मतलब उमरा के बाद आपको नमाज पढ़ने के बाद जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे आप ऑनलाइन फिर से ऐसे ही तरतीब करेंगे, उधर लिखा है, नहीं नहीं उसके अलावा नहीं होगा, उसके उधर लिखा है दूसरा ऑप्शन उमरा के बाद प्रॉफिट मासिक प्रेयर, तो उसको आप सिलेक्ट करके आप अपना टाइमिंग जोन उधर नीचे है असर फजर जोहर इशा वो सब आएगा, ठीक है, उसके बाद तो ये सब आप तरतीब करके जब आपको कोई भी नमाज पढ़ना होगा, जोहर होगा, असर होगा, कोई भी होगा नमाज, आपको उसको सिलेक्ट करके करना है और परमिट पास लेना है, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा, उसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा होगा तो एंट्री परमिशन नहीं है, इसके अलावा कुछ फाइन होगा, कुछ भी होगा उधर ग्रामा लगेगा 1000 रियाल अगर विदाउट जाएगा ऐसे विदाउट परमिट, इसको मतलब तो व्यूअर्स आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि हमने किया है हम, हाँ। इसीलिए हम भी आपके लिए आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसी तरह आपको तरतीब करना पड़ेगा, सही बात, इस तरह विदाउट परमिशन नहीं जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये शेयर हम आपके साथ करना चाहते हैं कि आप इस तरह चलिए, ठीक है, विदाउट परमिट ना जाइए, लाजिम तुमको परमिट परमिशन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ताकि अपने पास तुमको मोबाइल में सेव रहेगा स्क्रीनशॉट लेके वो दिखा लीजिए, और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लाजिम जरूरी है, हर कोई आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो आपको परमिट परमिशन नहीं देगा ऑनलाइन, बिल्कुल अब वो सिस्टम नहीं रहा, दूसरा बात जो है उसका अंदर घुसने के बाद एग्जाम्पल मतलब किसी को सारा मालूम नहीं, अच्छा यहाँ पे घुस गया, घुसने के बाद समझ लो आप जोहर के टाइम में घुस गए, बिल्कुल, तो हमको वहाँ पे रहना है, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, तो नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं, अगर देखिए अगर आपको तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने घुस गया अंदर, हाँ बिल्कुल ये नहीं होता, अगर आपने जोहर का परमिट लिया है, ठीक है, जोहर का परमिट लिया है तो असर का नहीं है आपका, तो आप जोहर में उधर ही बैठेंगे,
दोबारा भी करने की कोशिश करें हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको दिया हम दोबारा भी कोशिश करेंगे दुआ करेंगे इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी पाक जगह है कोई कौन नहीं आना चाहता है बार बार आना चाहता है हम आपके लिए भी दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलेंगे हाँ बिल्कुल जुम्मा पढ़ के आज हम रियाद की तरफ जाएंगे हम तो मक्का में ना अभी मक्का शरीफ में ही है हम इंशाल्लाह आज सलातुल प्रेयर जोहर के बाद हम जाएंगे जुम्मा के बाद इंशाल्लाह निकलेंगे हम रियाद का तरफ से सब शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको लाइक एंड शेयर ये हमारा वीडियो देखने के लिए और इसमें जो किया आप लोग जरूर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह जो हमने बताया जो नहीं आया इसके लिए बहुत ये है मतलब ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना आपको पहुंचाना है इन्फॉर्मेशन ताकि आपको भी हमको भी पता नहीं था बट हमने जान लिया यहाँ आके इसीलिए हम आपसे भी शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए आम आदमी को बिल्कुल परेशान नहीं आप हमारे तरफ आएंगे परेशान हो जाएगा आदमी लगा के फिर इंशाल्लाह वो देखेगा तो इंशाल्लाह सबको मतलब पूरा भी नॉलेज होगा हाँ भाई इस तरह हमको जाना है ओके शुक्रिया आपको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच ओके अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़